आज मैं बहुत रो रही हूँ और मुझे रुलाने की वजह हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ बुलबुल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। यहाँ पे देख लीजिए, आज हमारी आंटी नहीं आई हैं, तो आज जो है कि घर के सारे काम मुझे ही करने हैं। तो बस अभी हम झाड़ू से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सफाई जो होती है कि घर की समेटा समाटी करना, मतलब कि जो सामान इधर से उधर रखा हुआ उसको उसी जगह पर रखना, और उसके बाद में झाड़ू लगाना। तो ऐसा लगता है कि आधा काम हमारा सब कुछ हो ही गया है। मतलब अगर जब तक झाड़ू ना लगे ना घर के, तब तक मन ही नहीं लगता है कोई भी चीज़, कोई भी काम करने में, और लगता ही नहीं है कि हमने सफाई करी है या कुछ भी है। बाकी सारा अगर आप काम कर लोगे ना, लेकिन झाड़ू नहीं लगाओगे तो आपको ऐसा लगेगा खुद से ही कि अभी हमारा काम अधूरा पड़ा हुआ है, मतलब अभी काम हुआ ही नहीं है। और जैसे ही झाड़ू लग जाती है घर की, तो वैसे लगने लगता है कि हाँ भाई, सब सारा काम हो चुका है, साफ़ सफाई हो चुकी है। तो ऐसा होता है। और बस यहाँ पे अभी मैं ऊपर के झाड़ू लगा करके नीचे लेकर के आ रही हूँ सारा कचरा। और अभी मैं नीचे वाले रूम में आ गई हूँ, और आंटी ने मुझे कल ही बता दिया था कि मैं जा रही हूँ झांसी, तो कल मैं नहीं आ पाऊँगी, मैं छुट्टी कर रही हूँ कल की। तो फिर मैंने बोल दिया था कि चलो ठीक है, अगर कर रही हो तो, क्योंकि उनके घर में शादी आई है, उनकी देवरानी की बेटी की शादी है 7 तारीख को, यानी कि 7 दिसंबर को। तो फिर क्या है, वो अपने मायके में कार्ड वगैरह देने के लिए गई हुई थी, तो इसीलिए फिर वो नहीं आई है। तो फिर मैंने ही सारा काम किया, और यहाँ पे अभी बेडशीट वगैरह ठीक कर रही हूँ। तो क्योंकि मैंने आंटी से बोल दिया था, क्योंकि बहुत दिन पहले वो बोल रही थी कि मैं छुट्टी करूँगी एक दिन की, मैं नहीं आऊँगी काम पे। तो फिर मैंने बोल दिया था कि अगर आप जाओ तो उस टाइम पे मुझे बता देना, तो फिर ज़्यादा सही रहेगा। आज मैं जो है कि मतलब नीचे वाले पोर्शन की सफाई करने वाली हूँ, हल्की फुल्की सी डस्टिंग करने वाली हूँ। सफाई तो हो चुकी है लेकिन डस्टिंग करनी है मुझे। तो बस यहाँ पे ये देख लीजिए, प्याज के छिलके वगैरह काफ़ी ज़्यादा हो गए थे इकट्ठे, तो बस यहाँ पे मैंने डलिया भी खाली कर दी और प्याज भी ख़त्म हो गई थी, तो फिर मैंने नीचे से मंगा ली है। और बस यहाँ पे अभी मैं इसके ऊपर न्यूज़पेपर बिछा करके उसके ऊपर रख दूँगी, ये प्याज लहसुन और आलू वगैरह जो भी हैं, क्योंकि इसमें छिलके छिलके काफ़ी ज़्यादा हो गए थे इकट्ठे, तो बस यहाँ पे वो भी चढ़ा दी। और आज जो है कि मैं फ़ैन वगैरह भी साफ़ करने वाली हूँ, और आगे देख लीजिएगा आप मेरी सफाई।
तो बस झाड़ू अभी लग चुकी है और अब मैं इसके शीशे वगैरह साफ़ कर रही हूँ। और झाड़ू लगाने के बाद में ही मैं शीशे वगैरह साफ़ करती हूँ, वरना क्या है ना, अगर हम पहले से ही साफ़ कर देते हैं तो फिर उसके ऊपर से फिर से डस्ट जम जाती है, तो इसलिए बाद में ही करती हूँ मैं। और बाद में ही अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें जब साफ़ सुथरी सी हो जाती हैं तो फिर। तो मैं सोच रही हूँ ये सफाई तो चली रही है, लेकिन इसी के साथ साथ में सब्जियाँ काफ़ी सारी रखी हुई हैं और पापा जी और भी सब्जियाँ लेकर के आ गए हैं। और तो फिर मैं सोच रही हूँ कि जो ऊपर फ्रिज रखा हुआ है एक्स्ट्रा में, जो हमारे काम में नहीं आता है और अभी इसका ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं हो रहा है, तो फिर मैं सोच रही हूँ उसको नीचे ले आऊँ। तो यहाँ पे अगर मैं रख दूँगी तो वे सब्जियाँ वगैरह भी रख जाएंगी उसमें, तो ख़राब भी नहीं होंगी, तो इसीलिए वो इस्तेमाल में आ जाएगा। अभी तो खैर, अभी तो हम लोगों ने क्या है ना, बंद करके फ्रिज को और बंद करके रख दिया है तो ज़्यादा इस्तेमाल में नहीं आता है, लेकिन अगर वो नीचे आ जाएगा तो थोड़ा सा इस्तेमाल उसका होता रहेगा, है ना। तो बस इसलिए मैं इनसे कह रही थी कि अगर आपको थोड़ा सा फ्री हो जाओ तो आप फ्रिज को नीचे अपन ले आएंगे साथ में। तो ये वाला पंखा देखो मैंने अकेले किस तरह से साफ़ किया। पहले मैंने गद्दे को ऊपर कर दिया था, उसके ऊपर स्टूल रख के फिर उसके बाद में मैंने पंखे को साफ़ किया है, तो एकदम चकाचक हो गया है पंखा हमारा। और आज का जो ब्लॉग है, आप लोगों को पूरा वीडियो जो है कि आज से सफाई सफाई का ही मिलेगा, और आगे भी देख लेना क्या होता है, आगे आप लोग एंजॉय करना इस वीडियो को। और बस यहाँ पे भी इसके ऊपर भी मैं फिर देती हूँ, क्योंकि चिकनाहट जम जाती है, खाना वहीं बनता रहता है ना किचन में, तो यहाँ पे भी चिकनाहट आ जाती है। और ये हमारा आरओ भी लगा हुआ है, तो मैं सोच रही हूँ इसको हटवा दूँ, क्योंकि इसका कोई इस्तेमाल नहीं है, यूज़ ही नहीं होता है, वो भी बंद पड़ा हुआ है। तो फिर मैं इसको हटवाने की सोच रही हूँ, तो थोड़ा सा जगह खाली हो जाएगी तो अच्छा लगेगा और स्पेस भी हो जाएगा थोड़ा सा। बस यहाँ पे मैंने बर्तन वगैरह भी धो दिए हैं और अब मुझे इनको जमाना है। और अभी आप टाइम देख रहे हो, दोपहर के 12 बज रहे हैं और सारी सफाई हो चुकी है एकदम क्लीन, तो सारी साफ़ सफाई हो चुकी है। और बस ये देख लीजिए अब हमारा घर कितना अच्छा लग रहा है ना, साफ़ सुथरा। और झाड़ू पोछा करने से पहले जो है कि साफ़ सफाई अगर थोड़ी सी हो जाती है ना, तो उसमें ही घर बहुत ज़्यादा अच्छा सा लगने लगता है, जैसे कि अभी मतलब पेंट वेंट किया हो, एकदम साफ़ सफाई की हो, अच्छा लगता है। और बस यहाँ पे अभी मैं बना लेती हूँ खाना, क्योंकि खाने का भी टाइम हो गया। मैंने टाइम भी आप लोगों को दिखाया कि दोपहर के 12 बज रहे हैं, और भी इस टाइम पर मैं खाना बनाना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि पापा जी को 1 बजे तक खाना देना होता है, तो हम लोग 3 लोग तो हैं ही घर में, तो थोड़ा सा ही बनाना होता है खाना, तो मुझे तो जल्दी से बन जाता है। और बस आज यहाँ पर अभी मैं पत्ता गोभी और मटर की सब्जी बना रही हूँ। वैसे तो हम इसमें आलू भी डाल सकते थे, लेकिन मुझे आलू नहीं डालने हैं और पापा जी तो खाते ही नहीं है, तो फिर इसलिए मैं मटर डालूंगी इसके अंदर। और एक पत्ता गोभी रखा हुआ था छोटा सा, तो ये हम लोगों के लिए हो जाएगा। तो सिंपल तरीके से ही बना रही हूँ पत्ता गोभी, इसमें मसाले के साथ वाला नहीं बनाऊंगी, जो कि हम लोग मसाला पीस करके बनाते हैं ना, प्याज लहसुन अदरक वगैरह का, तो मैं इसमें सिर्फ सूखे मसाले डालकर ही बनाऊंगी। तो बस यहाँ पे अभी मैं कर रही हूँ थोड़ी सी प्याज फ्राई, और उसके बाद मैं जस्ट पत्ता गोभी डाल दूँगी, और उसके बाद मैं मटर डाल दूँगी और सूखे मसाले इसमें ऐड कर दूँगी। तो इस तरह से बनाई हुई पत्ता गोभी की सब्ज़ी भी अच्छी लगती है, ज़रूरी नहीं हर एक चीज़ मसाले में ही बनाई जाए, तो कभी कभी हरी सब्जियां ऐसे ही मसाले वगैरह डाल करके अच्छी लगती हैं। Thank you.
और साथ ही मैं दाल में बनने के लिए रख दूंगी, बिल्कुल थोड़ी सी ही बनानी है मुझे दाल। और पता है हमारे यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि अगर मैं इतना सा भी खाना बना रही हूँ ना, बिल्कुल थोड़ा सा ही बन रहा है वैसे तो, लेकिन ये भी खाना बच जा रहा है। मतलब देख रहे हो आप लोग कि मैंने कितनी थोड़ी सी दाल ली है, बस यही बनाऊंगी मैं। और आज जो है कि मैं मसूर की दाल बना रही हूँ। मसूर की दाल बना रही हूँ और बस यहाँ पे इसको फ्राई कर दूंगी। और यहाँ पे मैंने बस इसमें सूखे मसाले ऐड कर दिए हैं, पत्ता गोभी में, और उसके बाद में थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि ये अच्छे से गल जाए, क्योंकि नीचे से चिपकने लगता है ना, तो इसलिए थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करना पड़ता है। और बस यहाँ पे अभी देख लीजिए हमारी दाल भी बन चुकी है। दाल बिल्कुल मैंने एक कटोरी ही बनाई है। और बस यहाँ पे ये देख लीजिए अभी मैं लगाऊंगी इसमें तड़का। तो आज की वीडियो मैंने आप लोगों के साथ में मेरा आज का मॉर्निंग टू आफ्टरनून रूटीन शेयर किया है। आप लोगों को कैसा लगा मुझे बताना ज़रूर से, और कोई भी सवाल करने हैं तो मुझसे आप कर सकते हैं। और बस यहाँ पे हमारा पत्ता गोभी की सब्ज़ी भी बन के तैयार है और साथ ही में दाल भी बन चुकी है। आज मैं बहुत रो रही हूँ और मुझे रुलाने की वजह कौन है वो भी मैं बताऊंगी आप लोगों को। आंखें भी नहीं खुल रही आंसू की वजह से। हाँ, दिखाऊंगी आप लोगों को कि किसने मुझे रुलाया है इतना। तो ये है, इसने मुझे रुलाया है, ये प्याज जो कि कटती भी खुद ही है, मरती भी खुद ही है, लेकिन रुलाती दूसरों को है। तो यहाँ पे देखो ये प्याज, लहसुन, इसने ही मुझे रुलाया है।